गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो देखिए, ये सुबह सुबह मेरी छत के गार्डन का है और देखिए इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी कितने अच्छे फूल हैं इस समय। और देखिए मैंने कुछ बैंगन भी लगाए थे, तो बैंगन पे देखिए कितने अच्छे बैंगन आए हैं। ये मैंने शिमला मिर्च लगाया है, इस पर भी दो शिमला मिर्च हैं। और इधर देखिए मेरी बेटी नहा रही है क्योंकि इसको जाना है स्कूल, और मम्मी इसको खिला रही हैं फल क्योंकि बिना फल खाए नहीं जाती हैं। मैंने भी इधर सब्जी भी काट के रख लिया है और आज मैं बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी रोटी बनाऊंगी टिफिन में। आज तो इधर बहुत बारिश हुई है, आंधी भी आई थी, तो देखिए भिंडी मैं बिल्कुल सादे तरीके से बनाती हूँ कि बच्चे भी खा लें, प्याज वगैरह नहीं डालती क्योंकि प्याज बच्चे टिफिन में सब इधर उधर फेंकते हैं, खाते नहीं हैं। तो तेल में के साथ ही हल्दी डाल देती हूँ क्योंकि हल्दी तेल के साथ रहता है तो सारे भिंडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि भिंडी बहुत चिपचिपी होती है तो हल्दी ऊपर से डाली तो कहीं कहीं रह जाती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे ही हल्दी डालती हूँ और इस तरह से डालने से भिंडी भी नहीं टूटती, भिंडी ऐसे की ऐसी रहती टूटती बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग भी ऐसे ही भिंडी बनाइएगा। और इधर देखिए मैं आ गई हूँ इन लोगों को तैयार करने। तो बड़ी वाली बेटी तो पहन लेती है सब अपने से, लेकिन ये नहीं पहन पाती क्योंकि बहुत छोटी है, तो इनको सब पहनाना पड़ता है और फिर छोटी भी करना पड़ता है। तो छोटी तो दोनों का मैं ही बनाती हूँ क्योंकि वो भी अभी अपने हाथ से नहीं कर पाती, और दो छोटी दोनों का करना होता है। और मैंने टिफ़िन बना लिया है, अब टिफ़िन बस पैक करना है, तो छोटी करके टिफ़िन रखूँगी। तो देखिए छोटी बेटी खड़ी है देखने के लिए क्या रख रही हूँ, और इधर मम्मी मट्ठा निकाल रही हैं क्योंकि मुझे कढ़ी बनाना है। और मेरे यहाँ घी नहीं लिया जाता है, ऐसे ही इकट्ठा करके हम लोग मलाई से घी निकाल लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा घी ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है तो घी लेने की ज़रूरत नहीं है। और इधर मैं ऊपर आई हूँ मिस्त्री को चाय देने, अब नीचे जाके रोटी सेकूँगी, फिर ये खा के ये भी ऑफिस जाएंगे। इधर मेरा सारा काम हो गया, ये ऑफिस जा रहा है और ये भी आ गई है स्कूल से, सारे दस बजे इनकी छुट्टी होती है, तो ये आ गई है घर ऑफिस शाम का। एक बार छुट्टे इधर से कितना लेट जा रहा है, मेरे चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को पूरा देखना भी ना वो करें क्योंकि बीच में देख के छोड़ने से भी वीडियो वो हो जाता है। ये देखिए हमारे घर के पास मुर्गा आया है, उसी को देखने के लिए बेटी खड़ी है। और देखिए ऊपर का काम अभी हो ही रहा है, ये रेलिंग लगा, अभी ये नीचे वाले छत पे भी लगेगा, तो कल या परसों नीचे वाले छत पे भी ऐसे ही रेलिंग लगे। देखिए ये बीच में थोड़ा ढाल ज़्यादा हो गया था जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था क्योंकि रात में ही बारिश हुई, तो मिस्त्री लोग आए तो सुबह ये बोले पहले कि इसको सही करिए तो पानी सब निकल जाए, रुके ना छत पे पानी, क्योंकि पानी वही रुकेगा फिर स्लिप करेगा और उसी की वजह से सड़न